अंकों की गुणा करना सीखेंगे जिनका इकाई अंक 5 रहेगा, समय और वो नंबर समान रहेंगे। ऐसे नंबर्स को हम वर्ग करना भी बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 15 × 15, मतलब 15 की गुणा 15 से करनी है, और यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है, 5 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई अंक जो है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 5 का क्या आएगा, 25। और जो नंबर यहाँ पर 1 रहता है उससे 1 बढ़ा करके, 1 इंक्रीज करके हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 1 है दोनों जगह 1, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 225 आएगा, 225। ठीक, अब बताओ जैसे 35 है, 35 × 35 हम करते हैं, 35 × 35 करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, इसका जवाब तुरंत देना पड़ता है। ठीक है, तुरंत देंगे हम, देखो 5 × 5 = 35, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, हम 1 × 4 मान लेते हैं, तो 4 × 3 = 12, कितना जल्दी आ गया। मान लो यहाँ पर है 65 है, 65 × 65, 5 × 5 = 25, और यहाँ पर हम 7 मान लेते हैं, 7 × 6 = 42, यहाँ पर 42। देखो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हम कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम 65 × 65 इसको हम वर्ग करना भी बोलते हैं, स्क्वायर करना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो और बताओ, जैसे 85 × 85 है, क्या आएगा, 5 × 5 = 25, तो सब में आएगा लास्ट में। ठीक है, मतलब वर्ष और टेंस अंक 25 ही रहेंगे, इकाई और दहाई के अंक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 9, ठीक है, 9 × 8 क्या होता है, 72, और यहाँ पर 72 लिख देंगे। सब कुछ समझ में आ गया, yes! अब आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, yes!